माइग्रेन का जो विषय है जिसे हम सिरदर्द कहते हैं, आधा शीशी दर्द करते कहते हैं, इस माइग्रेन के विषय में मुझे कुछ दिनों पहले एक एलोपैथी के एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। काफ़ी दिन पहले एक्चुअली जब मैं MD कर रहा था कर्नाटक में, और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी बड़ी एसोसिएशन है माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स की, जो मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस की एसोसिएशन है। और सारी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा विषय लोगों ने रखा, और वो सारा विषय रखने के बाद में जो 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 उसका निष्कर्ष निकला वो ऐसे निकला कि माइग्रेन अभी भी एक इडियोपैथिक रीज़न से होने वाला एक सिरदर्द है, जिसमें हमें रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन होता है और इसीलिए इसको ठीक करना बहुत कठिन है। और ये पढ़ाई के दौरान मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला, और ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि हमें आयुर्वेद में भी इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, अगर ये इतनी मुश्किल बीमारी है तो। और जब मैं आयुर्वेद का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था तो भारत में कई ऐसे वैद्यों के पास मैं गया जो वनवासी क्षेत्रों में और अलग अलग हमारे छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं, और उनके पास भी बहुत सारे मैंने देखा सिरदर्द के रोगी आते थे, और वो बड़ी सरलता से और बहुत छोटे छोटे उपायों से सिरदर्द को ठीक करते थे। जैसे मैं एक वैद्य जी के पास गया जो कि इंदौर के आगे, महू के आगे, जाना पाओ के पास में एक जगह है, वहाँ पर वो बैठते थे। उन्होंने कहा कि सिरदर्द में मैं पेड़ा खिलाता हूँ, पेड़ा, हाँ, जो मिठाई होती है। और उसमें मैंने जब उनसे और आगे बातचीत की तो पता चला कि वो पेड़े में कपूर डाल के खिलाते थे। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हमारे देश में सिरदर्द के लिए लोग करते हैं। कुछ देसी गाय का घी डालते हैं, कुछ लोग पंचगव्य घृत डालते हैं। इस तरह से नाक में अन्य अन्य उपाय करके या मुंह के द्वारा जो है कोई ना कोई औषधि दे करके सिरदर्द ठीक किया जाता है। और फिर मैंने आयुर्वेद के क्लासिक्स में देखा तो आचार्य सुश्रुत, जो हमारे वॉर सर्जन हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है सिरदर्द के विषय में कि सिरदर्द जो है, उन्होंने टाइप्स बताए कि वातज शिरो रोग है, जिसके अंदर कि आपको सिर में बहुत कस के अगर आप कोई दुपट्टा या कपड़ा बांधते हैं तो आपको आराम मिलता है, इस तरह का सिरदर्द है वातज शिरोशूल। फिर पित्त शिरोशूल की बात आती है, जिसमें ऐसा सिरदर्द होता है इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, ऐसा लगता है आग लग गई हो सिर में, और शीतल उपचार करने से, ठंडा तेल, नारियल का तेल इत्यादि लगाने से इसमें लाभ मिलता है। फिर आगे वो बात करते हैं कफ शिरोशूल की, जिसमें ऐसा लगता है कि आँखों में एकदम फूला हुआ पन है, पफीनेस आ गई आँखों में और बहुत भारी लगता है सिर में, जैसे किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया हो सिर के ऊपर, कफ शिरोशूल की वो बात करते हैं। फिर रक्त शिरोशूल की बात करते हैं, इसमें रक्त रक्त की दुष्टि हुई है, इसमें अनटचेबिलिटी हो जाएगी, आपके सिर को कोई टच करेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, इस तरह का सिरदर्द, अनटचेबल हेडेक आपको होगा। फिर वो क्षयज शिरोशूल की बात करते हैं, जिसमें आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो ऐसे कंडीशन में वो कहते हैं कि ये इसमें आपको घी इत्यादि से चिकित्सा करना चाहिए। फिर आगे वो कृमिज शिरोशूल की बात करते हैं, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, जैसे कोई कीड़े चल रहे हैं अंदर, कृमिज शिरोशूल, ऐसी फीलिंग आती है। फिर वो सूर्यावर्त की बात करते हैं, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे दिन में आपका सिरदर्द बढ़ता जाता है। फिर वो अनंतवात की बात करते हैं, जिसमें ट्राइजेमेलन न्यूरालजिया जैसे आपको लक्षण दिखते हैं, मुंह खोलने में भी आपको बहुत तेज़ सिरदर्द होता है। फिर आगे वो अर्धावभेदक की बात करते हैं, जिसे हम आधा शीशी या हाफ हेडेक कहते हैं, और जिसमें बेसिकली फ्रंटल रीजन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो बात करते हैं शंखक की, शंखक जो है वो टेम्पोरल रीजन में होने वाला सिरदर्द है, और टेम्पोरल और फ्रंटल रीजन में होने वाला, और इसको कहते हैं आचार्य सुश्रुत की मृत्यु सदृश है, इतना मुश्किल है ठीक करना है कि आप पेशेंट को लगेगा कि मैं इससे तो मरी जाऊँ तो अच्छा है। इस तरह से अलग अलग सिरदर्द का वर्णन अलग अलग आयुर्वेद में आचार्यों ने किया है। और जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, जो शास्त्रोक्त चिकित्सा है, जिसमें कि अलग अलग सिर के दर्दों में वो शिरोधारा की बात करते हैं, वो पंचकर्म की बात करते हैं, वो चेहरे पे मालिश और स्टीम करके नाक में कुछ दवा डालना, नस्य की बात करते हैं, औषधीय धूमपान की बात करते हैं, वो अग्निकर्म और विद्ध कर्म की बात करते हैं। और अगर औषधियों की बात की जाए तो माइग्रेन टी, इस तरह से हम एक औषधि भी बनाते हैं जिसमें गोरखमुंडी, मरीच, इस तरह का कॉम्बिनेशन आचार्यों ने जब वर्णित किया, और मैंने देखा कि इस तरह की दवा कोई बना ही नहीं रहा है, जबकि इतनी सरलता से हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन है। और जब मैंने यहाँ पर उसकी चाय बना के पीने के लिए दी तो पेशेंट को चाय पीते पीते ही सिरदर्द ठीक हो गया, तो इस तरह की माइग्रा टी हमने बनानी शुरू की। फिर मैं बुंदेलखंड के पास, चित्रकूट के पास एक गांव में मैंने जाके देखा तो वहाँ पर एक वैद्य जी जो है नाक में कुछ दवा डालते थे सिरदर्द के लिए, और मैंने देखा कि वो द्रोणपुष्पी, जिसे आयुर्वेद में विषम जोरग्न माना जाता है,
जब हम ज्वर की बात कर रहे हैं कि एक विषम ज्वर में उपयुक्त होने वाली औषधि को नाक में डालने से सिरदर्द ठीक हो रहा है, तो वहीं हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में मैंने देखा कि कुछ एक अच्छे डॉक्टर जो माइग्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं हमारे शहर उज्जैन में, मैंने देखा कि वो प्लास्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया की भी जांच कराते हैं माइग्रेन के पेशेंट्स की। तब मुझे पता चला कि मलेरिया को आयुर्वेद में कोरिलेट किया गया है विषम ज्वर से, और इस ज्वर की चिकित्सा में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में रखा है द्रोण पुष्पी को। और जैसे ही उसको नाक में डालते हैं उसका सरस, तो पेशेंट बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत तीव्र पीड़ा होती है। तो हमने देशी गाय के घी में उसका पाक किया, घृत पाक किया, और हमने उसका नस से बनाया माइग्रा नस से। ये नस से भी 5-5 बूंद अगर हम नाक में डालते हैं दोनों नॉस्ट्रिल्स में, तो डालते ही आपको थोड़ी देर में आराम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत ही एक्यूट कंडीशन हो तो प्रच्छान्न कर्म का आयुर्वेद में निर्देश है। तो ऐसी भी कई सारी क्रियाएं हमने यहाँ पर करनी शुरू की, और जब हमने देखा कि इतने अच्छे परिणाम, फिर कुछ एक वैद्य ऐसे थे जो सुबह सुबह बुला करके और खाली पेट कुछ अच्छी ताज़ी औषधियाँ बना करके देते थे, हाँ, जिसमें ब्राह्मी, गोरखमुंडी, शंख पुष्पी इत्यादि और कई अम्ल पित्त नाशक औषधियों को भी वो उसमें समाविष्ट करते थे। तो ऐसी औषधियों को भी हमने फ्रेश मेडिसिन को भी मिला करके देना शुरू किया, और एक कॉम्बो डिज़ाइन हो गया धीरे धीरे, जिसमें हम शिरोधारा करते हैं पंचकर्म में, नस से करते हैं, औषधीय धूमपान करते हैं, विद्ध कर्म करते हैं, और अगर कान के रीज़न समझ में आते हैं तो कर्ण पूरण, कर्ण धूपन करते हैं। आँखों की रोशनी के रीज़न समझ में आते हैं तो हम अक्षित अर्पण करते हैं, अक्षित हवन करते हैं, अंजन देते हैं लगाने के लिए। अगर सर्वाइकल के रीज़न समझ में आते हैं, कुछ लोगों को गर्दन से सिरदर्द शुरू होकर ऊपर आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम नस्य के साथ में ग्रीवा बस्ती करते हैं। बस्ती क्रम आयुर्वेद में अनुवासन बस्ती, निरूप बस्ती, इस तरह का बस्ती क्रम का बहुत अच्छा प्रयोग है, जिससे अगर हाइपर एसिडिटी उसका रीज़न हो तो हम एक लघु सद्यो विरेचन या सामान्य रूप से पंचकर्म में जो पूरे शरीर की शुद्धि का क्रम है विरेचन, वो विरेचन भी करवाते हैं अगर 20-20 साल पुराने सिरदर्द हैं। तो इस तरह से जब हम व्यवस्थित रूप से चिकित्सा करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी तरह के सिरदर्द के पेशेंट 100% ठीक होते हैं। आज तक मेरे पास में करीब 2000 पेशेंट्स का मेरे पास डाटा है जो हमने सबमिट किया था, जब हमने क्लेम किया था कि माइग्रेन टी, हमारी माइग्रा टी जो है वो वाकई माइग्रेन के ट्रीटमेंट में सहायक है। तो हमसे मांगा गया था कि अगर इसे पेटेंट के लिए आपको अप्लाई करना है तो पेशेंट्स का डाटा चाहिए। तो लगभग 2000 पेशेंट्स का डाटा भी हमने सबमिट किया था, और तब जाके हमको माइग्रा टी का जो है पेटेंट भी मिला। तो इस तरह से हमने जब देखा कि इतनी सफलतापूर्वक इतने मुश्किल रोग का ट्रीटमेंट और इतने मुश्किल रोग के अलग अलग वेरियंट्स का ट्रीटमेंट, अलग अलग स्टेजेस जो माइग्रेन के पेशेंट्स की होती हैं, माइग्रेन की बीमारी की होती हैं, उन सबका ट्रीटमेंट करने के बाद जब हमें लगा कि अगर हम पूरा प्रयास करते हैं आयुर्वेद से और आहार विहार दिनचर्या योग प्राणायाम सब कुछ व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित तौर पर पेशेंट ठीक होता है और पूरी तरह से इस रोग से मुक्त होता है। तो हमने उज्जैन में यहाँ पर सबसे पहले नर्मदे आयुर्वेदम माइग्रेन केयर ट्रीटमेंट, माइग्रेन केयर क्लिनिक यहाँ पर शुरू किया, और आज भी यहाँ पर इनफर्टिलिटी, कैंसर और जॉइंट पेन और कैलकुलस और इन सब के साथ में हम यहाँ पर माइग्रेन केयर सेंटर, ये हमारा स्पेशली हमारी सुपर स्पेशलिटी है। तो अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो माइग्रेन से पीड़ित हो तो निश्चित तौर पर वो नर्मदे आयुर्वेदम आए, और या फिर अपने शहर में, आपके शहर में जो भी अच्छे आयुर्वेद के वैद्य हैं, पंचकर्म केंद्र चलाते हैं या अच्छे से आयुर्वेद को पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास आप जाएं। आयुर्वेद से ये निश्चित तौर पर समूल इसको समाप्त करना बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, और 100% तो किसी भी चीज़ के लिए बोलना गलत है, लेकिन अगर वैद्य प्रयास करे और पेशेंट पूरा सहयोग करे, पेशेंट भी पूरा अच्छे से फॉलो करे, तो निश्चित तौर पर हम माइग्रेन मुक्त भारत और माइग्रेन मुक्त समाज, कम से कम माइग्रेन मुक्त अपने शहर को हम बना सकते हैं। क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है कि जब सिरदर्द होता है तो आदमी क्या पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, पूरी रात वेस्ट हो जाती है। जब 20-20 साल से हम सुनते हैं लोगों को सिरदर्द है, तो ऐसा लगता है कि इनके जीवन का कितना लंबा समय एक छोटी सी बीमारी के लिए ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, और इतने मुश्किल से इनके इतने साल कटे, ना वो अच्छे से पढ़ पाए, ना अपने लाइफ में कुछ कर पाए, ना अपने परिवार को, पूरा परिवार को यही चिंता रहती है कि अब इनका सिरदर्द शुरू हो गया, अब दिन भर की छुट्टी। तो इस तरह से आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से उपचार संभव है, बहुत सफलतापूर्वक हम भी यहाँ पर नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन में इसकी चिकित्सा करते हैं। तो माइग्रेन से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद के पास बिल्कुल सटीक और बिल्कुल नपा तुला हुआ चिकित्सा का उपक्रम माइग्रेन के लिए है। तो इसकी चिकित्सा आप अच्छे वैद्यों से करवाएं, आयुर्वेद से जुड़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय भारत। दिस इज़ वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी, MD आयुर्वेद, नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन।